वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको वैकेंसी के बारे में बता देता हूं। आप देखेंगे सब ट्रेनिंग के लिए है, ट्रेनिंग ऑफिसर प्लांट, ट्रेनिंग ऑफिसर वाइजैक या फिर ट्रेनिंग ऑफिसर माइनिंग, इन सभी के लिए वैकेंसी है। ट्रेनिंग इंजीनियरिंग, ट्रेनिंग ऑफिसर माइनिंग, और जो इनकी लास्ट डेट भी 7 दिसंबर रहने वाली है, सभी के लिए है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की वैकेंसी जो आपके सामने आई है वो आई है वेदांता लिमिटेड में। दोस्तों इसका नोटिफिकेशन मैंने अभी कुछ टाइम पहले भी एक नोटिफिकेशन दिया था जहां डायरेक्ट हायरिंग चल रही थी वेदांता में, लेकिन ये वाली जो वैकेंसी है ये वेदांता के पावर प्लांट्स में एज वेल एज उनके स्टील प्लांट्स में, एल्यूमिनियम प्लांट्स में और वेदांता जिंक इंटरनेशनल के अंदर ये वैकेंसी निकल के आ रही है। दोस्तों जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो याद से सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, क्योंकि ऐसी अपडेट, सबसे पहले अपडेट, सबसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आपको ये चैनल ऑलवेज एक अच्छी जरूरतें आपकी अच्छा नोटिफिकेशन देता रहेगा। दोस्तों जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है वो भी याद से फॉलो कर ले, प्लस कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखते जाएं, कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर जरूर मेंशन करते जाएं। अब ये ब्रांच और पास आउट का क्या दिनचर्या है, क्या इसकी कहानी है, क्या होना है इससे, क्या नहीं होना है। दोस्तों मैं हर एक स्टूडेंट्स के, हर एक बंदा जो भी करता है उसके कमेंट्स जरूर रीड करता हूँ, सबके कमेंट्स जरूर रीड करता हूँ। उन कमेंट्स के बिहाफ पे कमेंट्स हो गए, तो उसमें कमेंट्स के साथ साथ उसमें क्या होता है कि उसकी एक्सपीरियंस और किस ब्रांच से रिलेटेड मेरे को वीडियो लानी है, वो सारी चीज़ें उन्हीं कमेंट्स के अंदर होती है। मेरे को ऑप्शन मिलता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ला पाऊँ। अब एक एग्जांपल कीजिए, फर्ज कीजिए कि मेरे चैनल पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट ज़्यादा हैं और मैं वैकेंसी ला रहा हूँ जी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या फिर सिस्टमेटिकल इंजीनियरिंग, क्या फ़ायदा है उस चीज़ से? क्योंकि जो वैकेंसी आपके काम ना हो कि ना हो, उस वैकेंसी को देखने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो आपको क्या कर लेना है, अप्लाई कर देना है। अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में भी बात करेंगे, कहाँ से अप्लाई करना है उसके बारे में भी बात करेंगे, कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। बट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो याद से सब्सक्राइब कर ले। जिनको नहीं पता है उसको मैं बता दूँ, रिज्यूम फॉर्मेट्स ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डल चुके हैं, और बंदों को रिज्यूम फॉर्मेट चाहिए तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए। टेलीग्राम चैनल आप सभी के लिए ओपन है। टेलीग्राम चैनल पे जो अभी सब्सक्राइबर है 41,000, लास्ट एक महीने से वो वहीं रुके हुए हैं। क्यों रुके हैं? क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब मेरा प्रॉमिस है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके सामने दूंगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करूँगा। तो वीडियो किसी को अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की। वैकेंसी से पहले एक बार बात कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटा सा अपडेट रिलेवल बाय अनअकैडमी के बारे में दे देता हूँ। दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है? आज के टाइम में आपको इजीली आपकी लैंग्वेज में कोई भी चीज़ें, आपको काउंसलिंग इजीली नहीं प्रोवाइड होती है, बट रिलेवल बाय अनअकैडमी अब हिंदी में भी है और हिंदी में आपको 100% काउंसलिंग और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ साथ आपको डायरेक्टली बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब पाने का मौका मिल सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कैसे? दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियां कौन कौन सी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जियोमी हो गई, जियोमी के साथ साथ स्विगी हो गई और इसी की तरह 800+ कंपनीज में। दोस्तों यहां से बहुत सारे बंदे, मतलब कितने दोस्तों, यहां से 90+ करोड़ की जॉब वर्थ की जॉब डिलीवर्ड हो चुकी है। वो किसके थ्रू? दोस्तों यहाँ हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट क्लियर करना पड़ रहा है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो इजीली टेस्ट क्लियर कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, वो इनके कोर्सेज की हेल्प से यहाँ टेस्ट क्लियर कर सकते हैं और अपनी ड्रीम कंपनी में 15 दिन में जॉब मिल सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ जो रिलेवल बाय अनअकैडमी है, 1500+ अभी तक 1500+ से ज़्यादा के ऑफर लेटर अभी तक दे चुका है। दोस्तों एक चीज़ और है कि यहाँ जो कैंडिडेट्स हैं वो इजीली हायर होके बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में जा रहे हैं, तो आप भी देरी मत कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ना चाहते हैं, आप अपना कैरियर स्विच करना चाहते हैं, आप अपना इंजीनियरिंग सेक्शन में जाना चाहते हैं, जहाँ भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल, और आपसे कोई भी डिग्री डिप्लोमा की भी डिमांड नहीं होगी, आपका सिर्फ आपकी स्किल ही आपकी जॉब लगवा देगी। तो दोस्तों इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जल्दी से जल्दी जाके अपना काउंसलिंग सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर ले और इसके साथ आगे बढ़ भी जाए, तो बिल्कुल हाईली रिकमेंडेड, जल्दी से जल्दी जाके साइन अप कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो
ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है ये आ रही है वेदांता लिमिटेड में। दोस्तों वेदांता जिंक इंटरनेशनल, जिंक इंटरनेशनल मतलब जब इंटरनेशनल नाम आ गया तो ये इंडिया के बाहर भी वर्क करता है, बाहर भी वैकेंसी निकलती है। दोस्तों एक तो चीज आप अपनी जान लीजिए, सबसे पहले एक चीज मैं बताऊं, जिन बंदों के पास पासपोर्ट नहीं है वो अपने पासपोर्ट के लिए जरूर अप्लाई कर दे, कोई ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं, पासपोर्ट जरूर बनवा लीजिए। क्योंकि कोई कंपनी ऐसी होती है, बहुत बंदों का, मैं अभी एक बंदे का इंटरव्यू ले रहा था कुछ टाइम पहले ही, क्योंकि मैं कहीं इंटरव्यू लेने लग गया था, तो उस बंदे के अंदर 100% कैपेबिलिटी थी, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से बाहर हुआ कि उसका जो है इंटरव्यू, वो उसके पास पासपोर्ट नहीं था। ये जो जिंक इंटरनेशनल है इसके पास, इसमें पासपोर्ट मैंडेटरी होता है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर दीजिएगा, प्लस अगर यहां से रिप्लाई आ जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू चलता है 10 से 15 दिन और यहां से रिप्लाई जरूर आएगा, जरूर 100% रिप्लाई आएगा, तो इसीलिए अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। और उसी के टाइम पे जब आपका रिप्लाई आ जाए तब अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। दोस्तों यहाँ जो वैकेंसी आ रही है, ट्रेनिंग ऑफिसर प्लांट, ट्रेनिंग ऑफिसर माइनिंग, ट्रेनिंग ऑफिसर इंजीनियरिंग, इसके साथ साथ अगर आप देख लेते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर माइनिंग, टाइम अटेंडेंस, ऑक्यूपेशनल हाइजीनिकिस्ट, इसके साथ साथ हेड ऑफ कॉर्पोरेट इंजीनियरिंग फॉरमैन। अब फॉरमैन क्या होते हैं दोस्तों, फॉरमैन जो है सिविल डिपार्टमेंट वाले अच्छी तरह जानते होंगे कि फॉरमैन की वैल्यू क्या है। फॉरमैन इज लाइक एन डिप्लोमा, डिप्लोमा वाले फॉरमैन को अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन जो डिप्लोमा से इलेक्ट्रिकल से हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ ड्राफ्टमैन आईटीआई वाले या फिर बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। टाउन इंजीनियर जो किसी भी गांव में रोड वगैरह बनती है, मेंटेनेंस होता है, उनको देखने वाले टाउन इंजीनियर में आते हैं। दोस्तों माइन ओवरसीयर, माइन के अंदर काम करने वाले वो कॉमर्शियल, और इनकी सबकी अगर लास्ट डेट देख लेते हैं तो सबकी लास्ट डेट 7th दिसंबर, वही मैंने अपने वीडियो में लिख रखा है। दोस्तों यहां आप देखेंगे ट्रेनिंग ऑफिसर माइनिंग, ट्रेनिंग ऑफिसर इंजीनियरिंग, अगर इनको देख लेते हैं, कोई भी एक वैकेंसी ओपन करके देख लेते हैं, किसको कहां अप्लाई करना है वो भी मैं बताऊंगा। अगर देखेंगे इनको, इन्होंने क्या चाहिए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चाहिए, फुल टाइम ट्रेनिंग साइकिल इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। दोस्तों आपको फुल टाइम आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, आप जरूर एलिजिबल है। और इन्होंने क्या किया है कि अप्लाई करने के लिए 7 दिसंबर से पहले, देखिए दोस्तों 7 दिसंबर से पहले आपको इस पे मेल करनी है। इन्होंने ये भी लिखा है, इफ यू डो नॉट मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट प्लीज अप्लाई। इसके बाद शुड नॉट हियर फॉर अस इन 3 वीक्स आफ्टर द क्लोजिंग डेट, प्लीज रिगार्ड योर एप्लीकेशन एज अनसक्सेसफुल। दोस्तों इन्होंने मेरे को बहुत अच्छी बात लगी, इन्होंने बोला कि अगर आपका 3 वीक्स में रिप्लाई नहीं आता है तो आप ये मत समझिएगा कि आपको यहाँ अप्लाई मतलब रुकना चाहिए, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, यहाँ रिप्लाई नहीं आएगा। तो किसके करना है, requirement@vedantaresources.co.za पे। अब आप देखेंगे JDA पे, अब यहां अप्लाई किस ब्रांच को किस में करना है, अगर मैं बता देता हूं आपको, सबसे पहले जो वैकेंसी है ये ट्रेनिंग ऑफिसर प्लांट, इसमें ऑल ब्रांचेस, दूसरे वाले में सिर्फ माइनिंग वाले, तीसरे में ऑल ब्रांचेस। अब ऑल ब्रांचेस कौन से, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और दोस्तों ट्रेनिंग ट्रेनी ऑफिसर है तो ऑब्वियसली इसमें फ्रेशर वाले ही एलिजिबल है। लेकिन क्या ट्रेनिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, जी हाँ ट्रेनी वाले अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। क्या डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, जी हाँ। कैसे अप्लाई करना है, वो करना है कवर लेटर के साथ। दोस्तों ट्रेनिंग ऑफिसर माइनिंग इन्होंने दिया है, टाइम एक्नोलेजमेंट, ऑक्यूपेशनल हाइजीनिस्ट, और इसके साथ साथ हेड ऑफ कॉर्पोरेट या इंजीनियरिंग फॉरमैन, इलेक्ट्रीशियन, टाउन इंजीनियर, ड्राफ्टमैन, सर्वे, माइन ओवरसीर, इन सभी के अंदर सभी अप्लाई कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, कैसे अप्लाई करना है, इसकी अपॉर्चुनिटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर मैं आपको डायरेक्ट लिंक आपका कंपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाके इजीली देख सकते हैं, वहां जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। आप अप्लाई कैसे करना है, देखिए मैंने एक मेल आईडी बताई, जो किस कोई भी आप वैकेंसी खोलेंगे तो उसमें आपको ये मेल आईडी मिलेगी। क्या, कौन सी मेल आईडी, ये recruitment@vedantaresource.co.jp। अब इसको अप्लाई करने के लिए आपको ये मेल आईडी कॉपी कर लेनी है और मेरे कवर लेटर जो मैंने दिया है, कवर लेटर क्या होता है, कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी, दैट मीन्स कवर लेटर। कवर लेटर मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहां जाइए जल्दी से जल्दी जाके उसे कॉपी कर लीजिए और मेल के थ्रू अप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आपको कवर लेटर के थ्रू अप्लाई कैसे करना है, तो चलते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे।
दोस्तों उसके बाद आना है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, मेरी वेबसाइट पे, हर जगह आपको मिल जाएगा। यहाँ आके आपको यहाँ ऊपर ही पिन मैसेज का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ आपको रिज्यूम फॉर्मेट भी मिल जाएगा। रिज्यूम फॉर्मेट के साथ साथ जो अगर आप देखेंगे यहाँ आपको कवर लेटर भी मिल जाएगा। कवर लेटर जो होता है अपने आप में क्या चीज़ होती है, कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना, इसको बोलते हैं कवर लेटर। कवर लेटर का क्या काम होता है, मैंडेटरी क्या काम होता है दोस्तों, पहले क्या होता था कि आपका सीवी जो है इन हैंड देना पड़ता था, बट आज के टाइम में हर चीज कवर लेटर के साथ, मतलब आपका रिज्यूम बहुत कम बंदे पढ़ते हैं बट कवर लेटर हर एक बंदा पढ़ता है। तो आप जो है इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा और जल्दी से जल्दी, अगर आपके पास दूसरा कवर लेटर है तो आप मेरे से शेयर भी कर सकते हैं। अगर मेरे को अच्छा लगेगा मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर आपका नाम लेके आपको क्रेडिट करके दूंगा उसको। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो कंटेंट है, आपके पास सीवीज है जो है दुनिया की हेल्प करनी है हमें, तो आप हेल्प जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको आना है उसके बाद मेरे मेल सेक्शन में, या फिर आपको जो अब जो भी आपका मेल सेक्शन है उसमें जाना है। वो कवर लेटर जो कॉपी किया था उसको यहाँ पुटअप कर देना है। देखिए सब्जेक्ट में याद रखिएगा कि आपकी ब्रांचेस कौन सी है, रिगार्डिंग वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। अब डियर सर ऑब्लिक मैम ऐसे, और ये जो है पूरा का पूरा ही बहुत ही अच्छा है। आप डिप्लोमा, बीटेक, प्लेस ऑफ नेम, कॉलेज, ये सभी आपको मेंशन कर देना है जो भी वहाँ लिखा है। और इसको आपको जो आपको मेल आईडी मैंने बताई वहाँ, जो मैं वीडियो बता रहा था उसमें जो मेल आईडी बताई है उसको आपको टू में रख के फॉरवर्ड कर देना है। किसके पास भेज देना है, उसके पास भेज देना है जो आपको मेल आईडी दी है। याद रखिएगा इसके साथ साथ अपना सीवी मतलब अपना बायोडाटा या फिर कोई भी अपना डेट, वो सारा आपको अपलोड कर देना है। किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम होती है आई एम ऑलवेज विद यू। बट आपसे एक और चीज़ की रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मॉनिस्टर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है उस पर जल्दी से जल्दी मॉनिस्टर ऐप को डाउनलोड कर दे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मॉनिस्टर का मिल जाएगा। तो ये थी आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।